कौन सी कंपनी की फ्लाइट अब जा रही है। और हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक्चुअली संडे है तो बस आराम करेंगे यार। काम तो पूरा ना मंडे से सैटरडे तक कर ही रहे थे यार, सुबह से शाम तक। आज थोड़ा सा टाइम मिला है, टाइम क्या थोड़ा बहुत काम तो है लेकिन अब करेंगे नहीं भाई, मंडे को करेंगे और अब थोड़ा एंजॉय करेंगे भाई। फ्लाइट है ना आती रहती है, जहाँ पे हम रहते हैं ना बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये देखो जा रही है भाई, ये कौन सी वाली, हम कंपनी भी देख सकते हैं इतनी नज़दीक से जाती है फ्लाइट की, कौन सी कंपनी की फ़्लाइट अब जा रही है। और इनका टाइम भी अगर आपको पता है तो आपको घड़ी देखने का ज़रूरत नहीं है कि कितना बजे कौन सी जा रही है, वहाँ सामने ही बिल्कुल एयरपोर्ट है यार। अब नीचे हो जाएगी फ़्लाइट धीरे धीरे भाई। मुश्किल है यहाँ पर रहना, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ना रात को सुबह 4 बजे 5 बजे, और फ्लाइट तो छोड़ो यार, इंडियन जेट्स जो ना आर्मी के जेट्स है ना वो जाते रहते हैं, उनका आवाज़ और ज़्यादा यार। इनका तो कुछ नहीं, अंदर नहीं आता आवाज़ ज़्यादा, लेकिन जेट्स का आवाज़ ना बहुत ज़्यादा आता है यार। वो देखो नीचे हो गई फ्लाइट, देखो वो जा रही है, वो देखो भाई, अगर जेट्स आए ना कान फाड़ देता है, इतना ज़्यादा आवाज़ है और इतना नीचे से जाता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है भाई। लक्स क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। ओला वाले भैया कहाँ पे है यार, पता नहीं। ओके चलो, वो खड़ा है वहाँ पे टियागो टाटा की भाई। जब अपना गाड़ी नहीं रहता है ना अपने पास में तो इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ये 15-20 मिनट लेते हैं आने में, फिर आते हैं तो वेट करते हैं, तब नीचे आना पड़ता है, क्योंकि पहले आ जाते हैं तो फिर मतलब नहीं बनता क्योंकि ये लेट आते हैं। ये झंझट मारी रहता है जब अपने पास अपना गाड़ी नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करने लगे हैं भाई, भैया एक्सप्रेस करके कुछ नया आया है टाटा का। दो गाड़ी है क्या आपके पास में इलेक्ट्रिक का? अच्छा, दोनों आप ही चलाते हैं? अच्छा, ये क्या कितना माइलेज देते थे भैया, मतलब कितना रेंज है इसका? मेरे पास 10 गाड़ी सर। नहीं नहीं, इसका रेंज कितना है बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का? इसका रेंज है 220 है। घर पे चार्ज करना पड़ता है या बीच में है कहीं पे चार्जिंग पॉइंट? मॉल में होता है ना। मॉल में होता है। कितना टाइम लेता है चार्ज में ये? डेढ़ घंटा फुल चार्ज ना। ये अभी लॉन्च हुआ ना टिगोर के बाद में? हाँ, ये अभी 3 दिन हुए इस गाड़ी को लॉन्च हुए ना। अच्छा, आप अभी लिए क्या? कैसा है परफॉर्मेंस, अच्छा है पहले वाले से? पहले जो इलेक्ट्रिक नेक्सॉन टिगोर था ना उससे अच्छा है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, भाई चार्जिंग वाला गाड़ी ना बहुत बढ़िया है यार, ऑलमोस्ट लाइक 1 रुपये या 2 रुपये आपको किलोमीटर पड़ जाएंगे यार चार्जिंग के लिए। 400-500 रुपये के अंदर आपका चार्जिंग हो जाएगा और उसमें ना 200-250-230 किलोमीटर चल जाता है यार, तो बहुत बढ़िया है। नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी ऑलमोस्ट 10 रुपये किलोमीटर चलता है, तो मतलब 7-8 रुपये आप बचा रहे हो, ये बहुत अच्छा है यार। सब कुछ पेट्रोल गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक का ज़माना। सर्विस का कॉस्ट तो अभी देखिए वो सर ही करते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, फिर भी नॉर्मली कुछ तो 500-1000 रुपये लगता होगा, ज़्यादा कुछ एक सर्विस का, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बैटरी और कुछ है नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है ना, डीजल फिल्टर वो सब नहीं है, तो कम ही आएगा सर्विस कॉस्ट भी। तो उसमें तो बस क्या है सर्विस कॉस्ट में थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वगैरह, हाँ, और ऑयल जो होता है बैटरी में वो ऑयल चेंज करते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ ऑयल नहीं है साइड में, तो मतलब ऑयल का बच गया और डीजल फिल्टर एयर फिल्टर वो सब बच गया, काफ़ी सारा काम बच गया ना, 50% हो तो भी बेनिफिट है भाई। टाटा ने ना तहलका मचा दिया है इलेक्ट्रिक मार्केट में यार, जबरदस्त गाड़ी निकाल रहा है। अब ये एक और गाड़ी निकाली है एक्सप्रेस करके, 15 लाख के आसपास पड़ती है, पैसा एक बार लगता है उसके बाद में आपको ना डीजल की चिंता नहीं है, 1 रुपये 1 किलोमीटर चलती है भाई, बहुत बढ़िया भाई, मस्त। थोड़ा बहुत हाउस होल्ड का सामान चाहिए वो ले लेते हैं और फिर अपना कीबोर्ड ले लेते हैं यार, और तो कुछ चाहिए नहीं अपन को। पता नहीं यहाँ पे पुणे में ना जूडियो स्टार बाजार के अंदर ही है, पता नहीं ये मिक्सअप हो गया है जूडियो या फिर जूडियो स्टार बाजार के साथ चला गया है या फिर स्टार बाजार जूडियो के साथ चला गया है, उसका कुछ पता नहीं है भाई। आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ भाई। ये जूते देखे थे, थोड़े थोड़े पसंद आए
और थोड़ा थोड़ा मन किया कि यहाँ पे अगर दूसरा कलर होता तो वो ले लेता। एक डाउट है यार, ये बाहर में ना प्लास्टिक है पूरा, पता नहीं गर्मी होगी कि नहीं होगी, मतलब अंदर तो कपड़ा है लेकिन बाहर प्लास्टिक है यार, ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी अंदर। ये अच्छी लगी भाई, ये बढ़िया है, ये एक सेलेक्ट कर लेते हैं यार, मस्त लगी ना, आप बताओ कमेंट्स में कैसी लगी। भाई मार्केट इतना सुंदर लग रहा है ना, और सामने जो दुकानें दिख रही है ना, रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है, जबरदस्त लग रहा है। और चलो भाई अपन को ना डोसा मिल गया भाई, कर्नाटक वाला डोसा अगर महाराष्ट्र में मिल जाए ना और क्या चाहिए यार, तो एक डोसा टेस्ट करते हैं कैसा मिलता है। भाई जब लिस्ट इतनी बड़ी हो ना कन्फ्यूजन रहता है कौन सा लेंगे यार, बाकी तो अपन ने टेस्ट किया नहीं है, मसाला डोसा ही ले लेते हैं यार। महाराजा स्पेशल मसाला डोसा भाई बढ़िया दिख रहा है दिखने में, तो अब खा के देखते हैं कैसा बनाया भैया ने मसाला डोसा। भैया एक कुल्फी देना, ये वाला नहीं, उनमें से आएगा आप, ये वाला नहीं है नहीं। क्यों, कहाँ से? राजस्थान से हो? कौन राजस्थान में कौन सा जिला? भीलवाड़ा ना। एक फालूदा दे दो मेरे को। चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस।